माध्यम से हम लोगों ने बहुत पैसा पैदा किया और पैसा के साथ पैसा तो लाइक चीज होती है, इसमें हमको जो नॉलेज मिला, जो रिस्पेक्ट मिली, जो सम्मान मिला, वो सम्मान आज तक कहीं नहीं मिला। और आप सभी लोग फील्ड पे काम करते हो, आज के पहले जो न्यूट्रिशन के क्षेत्र आपको नॉलेज था, आज जो नॉलेज है, अगर कुछ कंपेयर करें, तुलना करें, तो कहीं आप जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। लेकिन करीब एक डेढ़ साल कुछ हम अपनी गलतियों कारण सिस्टम से दूर हैं और फिर हमारे गेस्ट गुरु ज्ञान सर के माध्यम से बिजनेस को दोबारा सर आए। एक बार हम चाहते हैं कि सर के लिए जबरदस्त ताली हो जाए, जो मौकी काम है, और उनके माध्यम से ही हमको बिजनेस को सीखना महसूस हो गया। और सीखने के बाद में 6 महीने में मैंने 50,000 एक साइड का और करीब टोटल बिजनेस की बात करें तो 3.5 लाख की सैलरी मैंने दी है पिछले बार लिया, लेकिन अभी नहीं मिली है। लेकिन इस बिजनेस को मैं तेजी से कर रहा हूँ और लगातार सबसे ज़्यादा मैं सीखने पे फोकस कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, बशर्ते इसको आपको सीखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो बता दें कि आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन पे बहुत लोग हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाला जो सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे बड़ा बाजार न्यूट्रिशन का ही होगा। अभी एक सर्वे आया था कि बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति थे, आज वो एक सर्वे हुआ उनके द्वारा कि अगर आपको फिर से कोई बिजनेस करने को मिले तो कौन सा बिजनेस करेंगे, तो उन्हें बगैर समय गवाए दो टू कहा कि मैं अगर दोबारा आपको बिजनेस करने को मिला तो मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में आप लोग तो जो है बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। और बहुत लोग से समझते हैं वो जोड़ने वाला, मेंबर बनाने वाला और भागते होते हैं। दोस्तों, ये जोड़ने वाला, मेंबर बनाने का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आपको इसकी सही जानकारी लेना है। सबसे पहले बिजनेस पे आते हैं, प्लान पे आते हैं और ये काम हमको क्यों करें, इसकी हमें जरूरत क्या है। सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि इस बिजनेस को करने की हमें जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्यों करें हम इसको। सही है सर, क्यों जो महसूस हो रही है जरूरत? आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ तो सबसे पहले 1940 से शुरू हुआ। ये सभी लोग डायरी नोट कर लीजिए, डायरी पर ले लीजिए और उस पर नोट कर लीजिए। दोस्तों, 1940 में 10 रुपए में घर का खर्चा चलता था। 1940 में 10 रुपए में घर का खर्चा चलता था। और जहां पर रोजगार की बात करते हैं तो सभी लोगों का रोजगार का माध्यम खेती हुआ करती थी। यस, रोजगार का जो माध्यम था क्या था, खेती थी। लेकिन इसी के साथ साथ हम एक चीज और भी आप लोगों को बताते रहेंगे कि क्या होता है जब कोई नया सिस्टम होता है, नया बिजनेस आता है, तो जब आप उस सिस्टम के बारे में लोगों को बताते तो लोग विश्वास उसका नहीं करते हैं। जैसे कि मोबाइल मान लीजिए आया, तो जब मोबाइल आता है नई चीज आपकी मार्केट में, तो सबसे पहले इक्का दुक्का लोग यूज करते हैं और इक्का दुक्का यूज करने के बाद में भी धीरे धीरे वो चीज़ फेमस होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं जियो सिम, सबसे पहले जियो सिम चला था अभी एंड्रॉयड फोन में, तो कितने लोगों ने यूज किया पहले? कुछ लोगों ने यूज किया, 2, 4, 8, 10, फिर ज्यादा आम हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ गया। लेकिन जब नई चीज आती है तो नई चीज के बारे में लोग उस पर अपना माइंड भी नहीं लगाते हैं और माइंड लगाने के साथ साथ में रिस्क लेने से डरते हैं। तो जब 1940 में 10 रुपए घर का खर्चा करता था और खेती लोगों के रोजगार का साधन था, उस समय खेती जो है लोगों को जबरदस्ती दी जा रही थी कि भैया 2-4 बीघा 10 बीघा 1947 में सजा हुआ।
और आजादी के बाद में लोगों को खेती जबरदस्ती दी जा रही थी कि आप लोग खेती 10 बीघा 20 बीघा लिखवा लो। लोगों ने खेती की जरूरत उसकी बैलों को नहीं समझा। कारण क्या था? क्योंकि बैलों से खेती होती थी, संसाधन थे नहीं, और बारिश के सके सारे लोग फसलें होती थी, ट्यूबवेल थे नहीं। तो लोग एक बार खेती फसल डाल आते थे, खेती में खेतों में अपने बीज जाते थे, उसके बाद भगवान के सारे होता था नहीं होता था तो नहीं होता। लोग कम थे, खेती बहुत ज्यादा थी, खेतों की वैल्यू समय नहीं थी। लेकिन समय बदला तब के जमाने खेती के आदमी को जो पानी भी ले जाने की व्यवस्था होती थी, बड़ी दूर नुस्सी से ले जाते, आज पाइप चलती है और ट्यूबवेल है, बहुत सारे साधन है सिंचाई के। तो उसके 50 से 60 सालों में कितना बदलाव हो गया और आज खेती की वैल्यू क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। समझ सकते हैं खेती की वैल्यू, लेकिन उस समय लोगों ने नहीं समझा था। दूसरी चीज, जब 1960 आया, 1960 आया और 1960 में 100 रुपए में घर का खर्चा चलता था, नौकरी आ गई, क्या आ गई, गवर्नमेंट नौकरी आ गई, लोगों को गवर्नमेंट नौकरी जबरदस्ती दी जा रही थी कि भैया नौकरी कर ले, लोगों ने किया, 95 से 90% लोगों ने इसको मना कर दिया और 5% लोगों ने इसको स्वीकार किया। मैं गवर्नमेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ सर, 50 साल में बदलाव हुआ नहीं हुआ, और आज गवर्नमेंट नौकरी के पीछे लोग पागल है। 1980 आया, 1980 में 1000 रुपए घर का खर्चा चलता था, कंप्यूटर आ गया, लोगों ने कंप्यूटर का वैल्यू समझा, नहीं समझा। दो हजार में यही खर्चा 10,000 हो गया और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेविंग का उदय हुआ। दोस्तों, हर चीज नई जब पहली बार मार्केट में आती है तो जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को लोग स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखते हैं, और जो आगे चलता है